आप अंदर क्यों आ रहे हैं? मैं अंदर तुम्हें ही देखने आ रहा था, काफी टाइम लगा दिया था तुमने। खैरियत है आप? हाँ डॉक्टर, आबिया के यहाँ रश ही इतना होता है इसीलिए टाइम लग गया। क्या कहा डॉक्टर ने? बस काफी दिनों से मुझे चक्कर आ रहे थे, मैंने सोचा आई हूँ तो चेक करवा लूँ। आप अभी तक परेशान हैं? हाँ नहीं, परसों आ जाएंगी ना रिपोर्ट्स, इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा, आप टेंशन ना लें। तैमूर को कुछ नहीं बताना, यूं ही फिक्रमंद होगा ये सब सुनकर। जब उसे पता चलेगा हम अचानक से डॉक्टर के पास आए हैं, कल टेस्ट के लिए जाएंगे, पता तो उसे चल ही जाएगा। कुछ पता नहीं चलेगा उसे जब तक मैं या तुम उसे नहीं बताएंगे। सुहेल, रिपोर्ट्स आ जाएं, डॉक्टर को चेक करवाने के बाद जो भी होगा वो तो उसे बताना ही पड़ेगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी उसे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। घर चलें, रमशा पता नहीं अभी तक सोई है या नहीं, अली को तो आदत हो गई है देर से सोने की। भाई फलक ने सुला दिया होगा बच्चों को, बहुत ख्याल रखती है वो दोनों का, और दोनों बच्चे भी फलक के साथ बहुत खुश रहते हैं। माँ से ज्यादा बच्चों का कोई ख्याल नहीं रख सकता। चलें आइए।